आज एक नया शगुफा आया शहर में, वन नेशन वन इलेक्शन। अच्छा भाई क्या है ये? ये कुछ नहीं है, ये इस देश के संघीय ढांचे पर एक जबरदस्त प्रहार है, लेकिन ये असल में एक शगुफा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं कि इसको पारित कराने के लिए उनको लोकसभा में 362 वोट चाहिए, उनकी एनडीए के पास 293 हैं, राज्यसभा में भी ये पारित नहीं हो पाएगा वो जानते हैं, लेकिन ये शगुफे इसलिए रह रहकर छोड़े जाते हैं जिससे कि इस देश में चर्चा बनी रहे बेकार के मुद्दों पर, असल मुद्दों से ध्यान हटाया जाए, इस बात से ध्यान हटाया जाए कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी बुरी तरह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र हारने वाले हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करेंगे, अरे एक साथ महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर तो करा नहीं पाए, बड़ी बड़ी बातें करने चलते हैं, लेकिन दो तीन चीजें हैं जो बहुत दिक्कत तलब है इस रिपोर्ट में। करीब 18,626 पन्ने की ये रिपोर्ट है। मुझे तो पहली आपत्ति खैर यही है कि इस रिपोर्ट के जो जनक हैं वो एक पूर्व राष्ट्रपति हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए था, पूर्व राष्ट्रपति को इस तरह का चुनावी काम, पोलिटिकल काम ऐसी इसको नहीं हेड करना चाहिए था। मुझे तो ये भी आपत्ति है कि उस कमेटी में खड़गे जी को नहीं रखा गया जबकि वो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, गुलाम नबी आजाद को रखा गया जो राज्यसभा के मेंबर ही नहीं है, उसमें सालवे जी हैं जो मोइन कुरैशी के साथ पार्टी करते हैं। खैर उससे हट जाइए तो उस रिपोर्ट की ही चर्चा कर लेते हैं। ये रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन तो सबसे पहले तो है ही नहीं, क्योंकि ये कहती है कि एमएलए एमपी का चुनाव एक साथ होगा, मतलब 5,000 लोगों का, और पंचायती राज 100 दिन बाद होगा, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हुआ? 5,000 लोगों का चुनाव एक साथ होगा, फिर पोलिंग स्टेशन बनेंगे, फिर पोलिंग पार्टी बनेगी, फिर बंदोबस्त होगा, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगे, करीब 1.5 करोड़ लोग फिर से लगेंगे इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि 30 लाख जो निर्वाचित होते हैं हमारे पंचायती राज के लोग वो तो वन नेशन वन इलेक्शन में आए नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कौन सी वूडू इकोनॉमिक्स जिस शगुफा छोड़ा जा रहा है, इससे खर्चा कम हो जाएगा। भैया कैसे खर्चा कम हो जाएगा? इसको कराने के लिए आपको 3 गुना वीवीपैट चाहिए, 3 गुना ईवीएम चाहिए, उनको बनाने के लिए आपको वक्त चाहिए, वो मैन्युफैक्चर होंगी अभी, लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह उसमें जबरदस्त खर्चा होगा, ये खर्चा हम और आप वहन करेंगे। तीसरी बड़ी बात, ये पूरी तरह से राज्य सरकारों की अवमानना करता है। इस रिपोर्ट का कहना है कि राज्य सरकारों जिनका टर्म बचा रहेगा वो भंग कर दी जाएंगी, केंद्र उनको भंग कर देगा। क्यों भंग कर देगा भाई? और 17 राज्य सरकारें ऐसी होंगी जो उनका 2-3 साल बचा रहेगा 2029 तक, तो उनको क्यों भंग कर दिया जाएगा और वो क्यों ऐसा होने देंगी और ये क्यों असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक नहीं है? तो राज्य सरकारों को भंग कर देंगे ये। और इसमें एक बड़ी अजीब बात है, अगर कोई राज्य सरकार गिर जाती है तो वहां चुनाव होगा, लेकिन सिर्फ उस अवधि के लिए होगा जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो रहा, मतलब चुनाव भी होगा, खर्चा भी वहन होगा, सारा बंदोबस्त भी होगा, लेकिन उसी अवधि के लिए। मैं तो एक सवाल पूछना चाहती हूं, मान लीजिए केंद्र सरकार गिर जाती है, जो बड़ी संभावना है मोदी जी की 2025 में गिरने की, तो क्या आप सारी राज्य सरकारों को भंग कर दीजिएगा? ये कौन सी इकोनॉमिक्स है, ये कौन सा लॉजिक है, ये सिर्फ मोदी जी ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात यहां पर समझनी जरूरी है कि जो 2-4 बातें इसके बारे में कही जा रही है, इससे पॉलिसी मेकिंग नहीं हो पाती है, डिसीजंस नहीं बन पाते हैं। 4 साल 11 महीने आपसे पॉलिसी मेकिंग नहीं हो पा रही है, उसी 1 महीने में आपको सारी पॉलिसी मेकिंग करनी है। सारे जो पुराने निर्णय है वो चलते हैं, नए निर्णयों के लिए इसी से परमिशन मिल जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ संघीय ढांचे पर प्रहार है, और ये एक जो बीजेपी का ऑब्सेशन है ना, वन नेशन दिस वन नेशन, हम वन नेशन दिस एंड दैट नहीं है, हम वन नेशन वन लैंग्वेज नहीं है, हम वन नेशन वन रिलीजन नहीं है, हम वन नेशन वन कल्चर नहीं है, हम वन नेशन वन कलर नहीं है, हम वन नेशन एक जैसे नहीं लगते हैं, हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, आर डाइवर्सिटी इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। दिस होल अटेम्प्ट बाय द बीजेपी टू समहाउ पेंट अस इन वन कलर, वन दिस वन दैट, दिस इज जस्ट एन ऑब्सेशन, क्योंकि उनको भी पता है कि ये झुंझुना है, उनको भी पता है कि ये पारित नहीं होगा, उनको भी पता है ये संविधान के जो संघीय ढांचा है उस पर प्रहार है, और इसके लिए कोई तैयार नहीं होगा, खुद बीजेपी के लोग इसके लिए बगावत करेंगे, देखते जाइए आप आगे आगे।